हमारे बीच जैसा आप देख रहे हैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, और इससे पूर्व आप केंद्र में मंत्री और 3 बार सांसद रह चुके हैं। आदरणीय मनोज सिन्हा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के इस मंच पे, जहां पर हम आपके विचारों को और आपके दिशा निर्देशों, मार्गदर्शनों को समझना चाहते हैं, जिससे कि यह युग परिवर्तन जो हमारी संकल्पना है और हमारा निश्चय है, उसमें हम आगे बढ़ सकें। आदरणीय मनोज सिन्हा जी, माननीय हितेश चंदेल जी, हमारे मित्र प्रिय संजय शर्मा जी, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन ग्लोबल समिट में हिस्सा ले रहे देश विदेश के सभी आदरणीय वक्ता एवं प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं हितेश चंदेल जी का तथा संजय शर्मा जी को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंदेल साहब ने मुझे जो निमंत्रण पत्र भेजा था, उसमें उन्होंने एक अच्छी बात लिखी थी कि मानव जाति ने कई बार उत्पत्ति, विकास, जीविका तथा विनाश देखा है, और हमारे सामूहिक कर्म धरती माँ के भाग्य का निर्धारण करते हैं। मेरा अनुमान है, पिछले 4 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म पर वैश्विक पुनर्जनन तथा पुनर्निर्माण पर अपनी बहुमूल्य राय रखी होगी। कई सारे नए दृष्टिकोण भी सामने आए होंगे। एक सवाल ये भी उठा होगा कि क्या हम सभी इसके लिए अपने सामूहिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कर्म का केंद्र मोक्ष नहीं बल्कि समाज होना चाहिए। आज जब हम पिछले 1 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तब पुनर्जनन तथा पुनर्निर्माण को सोचकर समाज के कई ऐसे तबकों पर नजर जाती है जो सेवा को केंद्र में रखकर लगातार अपने नियत कर्म में जुटे हैं। सवाल ये नहीं है कि चुनौतियों के बीच किसने क्या किया, सवाल असल में ये है कि वह कौन लोग हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अनवरत प्रयास किए और अपनी जान जोखिम में डाले। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस ड्राइवर, ऑक्सीजन संयंत्र में काम करने वाले लोग, आशा, ANM वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करने वाले तमाम साथियों, अनेक प्रोफेशनल्स ने संकल्पित होकर के निस्वार्थ भाव से पिछले 1 साल से ज्यादा समय हुआ काम किया है। क्योंकि ये ग्लोबल समिट इस मुद्दे पर गहन चर्चा का उचित प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरे विश्व में पिछले 13-14 महीनों में जितने काम हुए हैं, शायद इतिहास में कभी नहीं हुए थे। नए प्रयोग तथा आम आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए एकजुट होकर जिस प्रकार पूरी मानवता और पूरा विश्व एक धागे में बंधकर काम कर रहा है, मैं मानता हूं कि मानवता के इतिहास में एक नई मिसाल है। उससे जुड़े जिन लोगों की चर्चा मैंने अभी की, पहली बार शायद लोगों को एहसास हुआ कि रियल लाइफ में हीरो ऐसे भी होते हैं। पीपीई किट के पीछे छिपे हुए चेहरों में लोगों ने देवदूतों के प्रतिबिंब देखे। मित्रों, इसीलिए मैं मानता हूं कि रूपांतरण चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो, उसकी शुरुआत मनुष्य के अंदर के बदलाव से होती है। और हमारे यहां कहा गया है कि परिवर्तन जो शब्द है, वो स्वयं में प्रथम पुरुष एकवचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। इसी परिवर्तन के वाहक हम तभी बन सकते हैं
जब हम खुद परिवर्तित होते हैं, खुद में परिवर्तन लाते हैं। अगर कहीं रोशनी जल रही है तब उसका प्रकाश ज्वाला की वजह से महसूस नहीं होता, बल्कि हमारी आंखों की वजह से होता है। मुझे लगता है कि यह बात हम सबको समझनी जरूरी है। इस त्रासदी में जो उजाला हमें दिखाई पड़ा वो सिर्फ दवा, ऑक्सीजन, वैक्सीन की बदौलत नहीं, बल्कि उसके पीछे जो लोग हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, समाज सेवी हैं, इनके प्रयासों की बदौलत युग परिवर्तन तथा पुनर्निर्माण के संबंध में तथा हम सबके दायित्व के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में एक चर्चा विस्तार से की गई। नैवे हाकिम जनाग्रह आसीत, उपनिषद ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि हमारे यूनिवर्स में वाले अंधकार के सिवा क्या था, और फिर जवाब में आगे लिखा कि अंधकार को हटाने का एक ही रास्ता है, प्रकाश को देखने की कैपेसिटी को मजबूत करना, उसे ताकतवर बनाना। ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान बहुत से सवाल हम लोगों के मन में आए और गाहे बगाहे हम सब ने उस पर चर्चा भी की। हम वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए कौन सी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, हम समाज को, राष्ट्र को किस तरह का जीवन दे रहे हैं, कौन सा नया मार्ग, नई आशा तथा नया संकल्प एक बेहतर वर्तमान तथा भविष्य के लिए हम दे रहे हैं। और कुछ नया काम कर रहे हैं तो क्या वह इंसान को बदलने की दिशा में है, क्या वह लोगों की जिंदगी को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए है, स्वर्ण युग के लिए जिन दृष्टिकोणों पर यह परिचर्चा आयोजित की गई है उसमें निजी तौर पर मेरा अनुभव है कि हर एक व्यक्ति के अंदर नई चेतना को जन्म देकर ही समाज, राष्ट्र तथा विश्व में परिवर्तन की दिशा में आगे आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, सब कुछ नया किया जा सकता है, यहां तक कि इंसान भी, लेकिन उस क्रांति के घटने के पहले हर किसी को सहयोगी और साझीदार बनना होगा। हर धड़कनों को, हर हाथ को एक दूसरे से जोड़ना होगा। इस परिचर्चा में तकनीक, विज्ञान और विनाश पर भी बातें हुई, उस पर बोलने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पूरा विश्व शायद इतिहास के सबसे ज्यादा संकटपूर्ण समय से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि अतीत में कभी पैंडेमिक नहीं आया। स्पेनिश फ्लू के बारे में हम सब जानते हैं, उस दौर में साइंस का, तकनीक का उतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए शायद तुलनात्मक अध्ययन उचित नहीं होगा। यह हमारी खुशनसीबी है इस बार का संकट ऐसे वक्त में आया जब साइंस और तकनीक अपने एक्सप्लोजन की चरम सीमा पर है, और उसी का परिणाम है एक साल से कम समय में लोगों के लिए वैक्सीन इजाद की गई, लोगों के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम जुटा पाए। 100 साल पहले हम और आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आज हम नई परिस्थिति से जूझ कर बाहर आ रहे हैं तो उसके पीछे हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच भी है। कुछ महीने पहले एक समारोह में मैंने कहा था कि तकनीक और विज्ञान विश्व या राष्ट्र के लिए समस्या नहीं है, हाँ उसका संतुलन तथा मानव सभ्यता के विकास के कामों में ही उसका इस्तेमाल ये आवश्यक है। फ्रांसिस बेकन ने 16वीं शताब्दी में कहा था, नॉलेज इज पावर। इमर्सन ने 19वीं शताब्दी में उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए कहा कि ज्ञान हमेशा खुली आंखों से आता है, कौशल काम करने वाले हाथों से नहीं आते, और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो अपने आप में पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। और यही आज हम सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। साइंस के जितने भी प्रयोग हैं, इंजीनियरिंग तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जितनी भी खोज है, सबने मिलकर एक साथ कोरोना महामारी से विश्व को बचाने का प्रयास किया है, और इसके लिए पूरा विश्व आज उनका कृतज्ञ है। इसलिए मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि विज्ञान में अपार संभावनाएं हैं और हम अभी तक उन संभावनाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। पैंडेमिक ने
हमें जो सबसे बड़ी सीख दी है वो ये कि विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी देश एक आइलैंड की तरह नहीं रह सकता। हम सबको मिलकर अपनी अपनी ताकत के जरिए चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। हम वर्तमान में रहते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त एक संसार खड़ा किया है, लेकिन कभी कभी मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या इन भौतिक सुख सुविधाओं में मन की शांति है? पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। मुझे लगता है कि ये भी ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। जहां विज्ञान और तकनीक के कारण जहां हम पहुंचे हैं, हम चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर सकते हैं, पूरे विश्व की हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन धरती पर हम इंसान की तरह रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको मिलकर के विचार करने की आवश्यकता है। एक बड़ी पुरानी कहावत आप में से शायद अधिकतर लोगों ने सुना होगा, एक बार किसी जंगल में आग लग गई और उसमें दो व्यक्ति थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था, दोनों फंस गए। अंधे के पास पैर है, वो तेजी से भाग सकता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं पड़ता और इसलिए आग में फंसने का डर है। पैर से दिव्यांग व्यक्ति के पास आंखें हैं, लेकिन वह दौड़कर आग से नहीं निकल सकता। उस परिस्थिति में सबसे बड़ी समझदारी का काम उन दोनों ने किया वो थी साझेदारी। पैर से अपंग व्यक्ति आंख से दिव्यांग व्यक्ति के कंधे पर सवार हो गया और उसको रास्ता दिखाने लगा और वो जंगल की आग से सकुशल बाहर निकल गए। हम देश के पास, समाज के पास कोई न कोई ऐसी शक्ति हर देश के पास है, पावर है। अगर तालमेल बैठा दिया जाए तो एक दूसरे के सहयोग से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। राष्ट्र और विश्व के पुनर्जनन तथा पुनर्निर्माण के लिए सबसे जरूरी है कि जो सभी शक्तियां हैं वो इकट्ठे होकर काम करें, ताकि जो बटी हुई ताकत है उसे तालमेल हार्मनी के द्वारा समाज के हित में लगाया जा सके। भविष्य का विज्ञान मनुष्य की सेवा का विज्ञान होगा। भविष्य की टेक्नोलॉजी जन भागीदारी, जन जन की जरूरत के हिसाब से जीवन को और बेहतर बनाने की होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। जन भागीदारी की दिशा में जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा प्रयोग हम सबने पिछले साल सितंबर में शुरू किया। जब प्रशासन के कार्यों में हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की गई और भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए न सिर्फ जिम्मेदारी तय की गई बल्कि उनकी सहमति से समय सीमा भी निश्चित की गई, तो उसका परिणाम देखने को मिला। कोरोना त्रासदी के बावजूद इकट्ठे होकर हम सब संभल पाए हैं और तरक्की के रास्ते पर भी चल रहे हैं। मेरा मानना है कि समावेशी सामाजिक आर्थिक सुधार की शुरुआत के लिए विकास, रोजगार, कौशल और समानता की जरूरत होती है। जन भागीदारी के माध्यम से हमने इन सभी क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की है। हर पंचायत से 4 नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को उद्यमी बनाकर पिछले 8-9 महीनों में तकरीबन 20,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की मजबूत कड़ी तैयार करने की हम सबने कोशिश की है। उसका सीधा असर जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी दर में दिखता है। स्वतंत्र अध्ययन के मुताबिक कोरोना की वजह से आज बेरोजगारी दर 12.1% पहुंच गई। 2 महीने पहले ये 9% के आसपास थी। अगर आप अन्य राज्यों से तुलना करेंगे तो इस जन भागीदारी के कारण जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक रिपोर्ट आई है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया। जो 16 मानक तैयार किए थे नीति आयोग ने, सब में हमारी रैंकिंग काफी बेहतर हुई और मैं मानता हूं कि यह सिर्फ जन भागीदारी की वजह से संभव हो पाया है। और यह जन भागीदारी हमने प्रमुख क्षेत्रों, मैन्युफैक्चरिंग हो, तकनीक का विकास हो, कृषि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो,
हेल्थ या पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, मिलजुल करके चलाई है और इसके माकूल परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, मैं मानता हूं आपदा के पश्चात किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, रिस्पांस, रिकवरी तथा रीबिल्डिंग। पिछले साल अगस्त से इस पर हम सब ने काम शुरू किया था। सेकेंड वेव से पहले का जो समय था उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके 6 महीने में नए 23 ऑक्सीजन प्लांट हम सब ने लगाए। मुझे याद है सितंबर माह में पूरे हमारे यूटी की ऑक्सीजन कैपेसिटी 13,000 LPM से कम थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी 53,000 LPM से ज्यादा हो गई और अभी कुछ और प्लांट कली म्यूनिक से हमारे यहाँ आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी। रिस्पांस तथा रिकवरी को कोऑर्डिनेटेड ढंग से चलाने की कोशिश की गई है और उसे हैंडल किया गया है। उसी का परिणाम है कि सामान्य रूप से किसी मरीज को बेड की, दवा की, अस्पताल में बिस्तर की कमी नहीं हुई। वैक्सीनेशन का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। हमारे 4 जिले हैं जहां 45% से ऊपर आए के लोगों का 100% वैक्सीनेशन हुआ है और मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि एक भागीदारी का जो नया मॉडल पुनर्निर्माण के लिए हम सब ने बनाया है उसकी नींव में जन भागीदारी है और मैं समझता हूं पूरे विश्व के लिए ये एक फ्रेमवर्क का काम करेगा। मैंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया था कि पुनर्निर्माण का मतलब पहले की तरह किसी इमारत को खड़ा करना नहीं है, इसलिए पुनर्निर्माण को दीर्घकालिक योजना पर केंद्रित किया गया तथा पैंडेमिक के पश्चात नई प्रणाली पर पुनर्विचार करके पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी पर काम करना हम सबने प्रारंभ किया। मित्रों, में 2-3 और बड़े स्पष्ट बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। कई बार लोग कहते हैं कि आपदा में अवसर। मेरा मानना है कि चाहे आपदा हो या ना हो, सामुदायिक भागीदारी और समानता को और मजबूत करके किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। चाहे प्राकृतिक बाधाएं हो या मानव द्वारा निर्मित बाधाएं, उसके लिए राष्ट्र तथा समुदाय को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और इसकी शुरुआत स्वास्थ्य तथा आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने से होगी। जरूरी यह है कि अपने भाग्य को हम निर्मित करें, न कि संकट के समय औरों की तरफ देखें। मित्रों, मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूंगा। अभी कोरोना चुनौती के दौरान हमने कम्युनिटी हेल्थ को डिसेंट्रलाइज किया और पंचायतों को स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करने की कोशिश की। ये अपनी तरह का एक विचित्र मॉडल भी लग सकता है, मैं इसे अनोखा मॉडल मानता हूं, जिसमें हर पंचायत में कोविड केयर सेंटर माइल्ड केसेस के लिए हम लोगों ने बनाए 5 बेड के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, ब्लॉक हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या हमारे मेडिकल कॉलेज हो, वहां तो सुविधाएं हैं ही, लेकिन पंचायतों में भी ये सुविधा हम लोगों ने खड़ी करके और मुझे लगता है कि मानव कल्याण में एक बेहतरीन काम किया है। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में मैं पढ़ रहा था, अमेरिका तथा अन्य देशों में इसी तरह की प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है, जो मैं समझता हूं एक विकेंद्रीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत। मेरा विश्वास इस बात पर है कि कोई भी सिस्टम तभी सफल हो सकता है जब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में पीपुल फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप सब जानते हैं इमरजेंसी स्वास्थ्य रिस्पांस अल्पकालिक शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन उसी दौरान जो नीतियां बनती हैं वो दीर्घकालिक विकास के लिए एक नया रोड मैप तैयार करती हैं। कोरोना से जंग के दौरान हम सब ने फैसला लिया कि इस भयंकर त्रासदी में जिन परिवारों ने एकमात्र कमाई करने वाले को खोया है,
में पूरे जीवन काल तक संभालने का काम प्रशासन करेगा, चाहे वो पेंशन देने का मामला हो, स्कॉलरशिप देने का मामला हो, या स्वरोजगार के द्वारा उन्हें स्वावलंबी बनाने का मामला। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीएम केयर से ऐसे परिवारों के लिए एक व्यवस्था दी है। मैं मानता हूं आपदा में जो नीतियां बनती हैं वो उसके पश्चात किए जाने वाले सुधारों तथा शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होती है। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करूंगा। एक बड़े पुराने संत थे, वो रामायण का अनुवाद करना चाहते और उसके लिए उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की। 10 साल की भिक्षा के बाद 10,000 रुपए इकट्ठे हुए, लेकिन उसी महीने भूकंप आ गया और उन्होंने अनुवाद पब्लिश नहीं किया बल्कि भूकंप में वो राशि दान कर दी। फिर कुछ दिनों बाद भिक्षा मांगने का क्रम उन्होंने शुरू किया। अभी 5,000-6,000 रुपए इकट्ठे हुए थे, फिर एक दूसरी आपदा आ गई, वो पैसे भी दान में चले गए। 16-17 साल बाद फिर कहीं जाकर पैसे इकट्ठे हो पाए और रामायण का अनुवाद प्रकाशित हुआ। जब पहली कॉपी आई तो एक भक्त ने देखा उस पर लिखा था तृतीय संस्करण। वह भागा हुआ संत के पास पहुंचा और बोला कि कोई गलती हो गई है प्रिंटिंग, ये तो पहला संस्करण होना चाहिए। संत मुस्कराए और बोले, नहीं वत्स, ये तीसरा संस्करण ही है। भक्त बड़ा हैरान था। उसने कहा, फिर वो दोनों संस्करण कहाँ हैं? संत ने कहा कि एक भूकंप में लग गया और दूसरा एक दूसरी आपदा में लग गया। वो दोनों संस्करण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो तीसरे संस्करण से ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा सुंदर है। आज इस दौर में पुनर्निर्माण में प्रतिपल मानवता लगी हुई है। विज्ञान तथा तकनीक क्षेत्र के लोग भी जी जान से जुटे हैं। हो सकता है कुछ कार्य दिखाई न पड़ते हैं, लेकिन उसका असर जल्द ही हम सबके सामने प्रभावी रूप से दिखता है। एक प्रार्थना भी मैं समझता हूं कि भव्य और सुंदर महसूस हो, इस तरह की भी बहुत सारे लोग करते हैं। लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और आगे भी लिए जाएंगे जो एक नए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सके, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ला सके और सामाजिक सुरक्षा के सेफ्टी नेट को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। सही अर्थों में पुनर्निर्माण की शुरुआत वहीं होगी। सामाजिक व्यवस्था में एक एक व्यक्ति का परम मूल्य है और उसी को आधार बनाकर हम अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं हितेश चंदेल जी को तथा संजय शर्मा जी को इस गहन परिचर्चा के लिए बधाई देता हूं। इस तरह की और परिचर्चा हो या यह मानवतावादी समाज के लिए आवश्यक है। मैं फिर से आप सभी को एक बार हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय उपराज्यपाल जे एन के जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज इस मंच पे पधारे और अपने आशीष वचनों से प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ एक तरह से हो गया है।